15 दिन प्रैक्टिस किया, बताऊँ मैं खुद जल गई थी कि तो इसी बेसिस पे ये वाला वीडियो मेरा बनाने का मकसद था। Everyone, welcome back to my another vlog. I hope you all are guys absolutely fine. और आप लोगों के प्यार की वजह से हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइज, अभी तो फिलहाल दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मैं लंच करके भी आ चुकी हूँ, और मैं रोज़ की तरह आज भी मैं लैपटॉप लेके थोड़ा बहुत काम के लिए बैठी थी, तो मैंने सोचा कुछ पुरानी यादें ताज़ा करूँ, तो इसीलिए कुछ वीडियोज़ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैं चेक कर रही थी। तो उधर मैंने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखी जो कि मतलब 2014 का था, और जब मैं इंग्लिश चैनल नहीं गई थी, इंग्लिश चैनल जाने से पहले मैंने जो प्रैक्टिस किया था, जो मेहनत किया था पूरी में, तो उसका कुछ क्लिप्स मेरे पास है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो आप लोग टाइटल देख के पता लगा ही लिया होगा कि आज के वीडियो किस बेसिस पे है। सो गाइज, इसी बेसिस पे है, तो आगे बढ़ते हुए आज का वीडियो शुरू करें। सो मैं पूरी प्रैक्टिस के लिए 2014 में 31 किमी करने के बाद गई थी। तो हम लोग टोटल थे 6 जन, और हम जब गए थे उस टाइम हुदहुद साइक्लोन था उड़ीसा में, और बहुत ही ज़्यादा वेदर ख़राब था। और एक वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जब हम लोग उधर पहुँचे तो कुछ इस तरह का सिनारी देखने को मिला बोल सकती हूँ, या फिर पानी का जो रूप वो देखने को मिला। So guys, ये रहा पानी का जो स्ट्रक्चर, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं खुद जल गई थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम समंदर में प्रैक्टिस के लिए गई थी, और उससे पहले मैंने कभी समंदर में प्रैक्टिस तक नहीं किया। तो समंदर का जो ऐसे रूप धारण का, क्या बोलूँ, रूपी धारण बोलूँगी, तो वो जो होता है वो मुझे नहीं पता था कि सडनली ऐसा भी हो सकता है। तो सर ने कहा कि तुमको आज ही प्रैक्टिस के लिए उतरना है, जो वीडियो आप लोगों ने देखा उसमें। लेकिन उधर जो गाइड्स जो लोग थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो वो लोग सर को डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, आज ऐसे वेदर में हम लोग समंदर के पास किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये दो लड़की को हम लोग कैसे समंदर में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करें। तो एक दो दिन हम लोग थोड़ा सा वेट किए, नेक्स्ट डे आफ्टरनून के बाद हम लोग प्रैक्टिस के लिए उतरे थे। 1 घंटा पहले प्रैक्टिस किया था, और वो भी उस टाइम भी वेदर ठीक नहीं हुआ था, और ऐसे ही लहरें और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े वेव्स। तो कितना स्ट्रांग होना पड़ता है इतना बड़े वेव्स को पीछे छोड़ के स्विम करके तेज़ी से निकल जाना। तो एक स्विमर को पता है कि जब बड़े बड़े वेव्स पीठ में आके मारते हैं ना भाई, तेज की पड़ती है, क्या बताऊँ, इसको पड़ी है वो लोग जानते हैं। और उसका भी एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
15 दिन प्रैक्टिस किए थे और प्रैक्टिस का तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और मैंने टोटल मतलब पहले तो 1 घंटे से शुरू किया था और टोटल 13 घंटे तक उधर प्रैक्टिस किया था। और जब 12-13 दिन हो रहा था प्रैक्टिस का, उसी टाइम एक उड़ीसा का ही एक फेमस चैनल, मेरे को नहीं पता उस चैनल का नाम, क्योंकि वो उड़ीसा लैंग्वेज में लिखा था। सो मैंने क्या किया कि जब टीवी में दिखा रहा था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था वो भी हिंदी में, और उस टाइम 2014 के टाइम मैं उतना अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाती थी, अभी जितना भी थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ। और उस टाइम मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा अटक अटक के मतलब इंटरव्यू दी थी। जब मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों को पता चली जाएगा कि मैं कैसे इंटरव्यू, बहुत जैसे जैसे लग रहा है ना कि बच्चे को डरा दिया कुछ ऐसे ही, बच्चे को डरा दिया, बच्चा हिंदी में इंटरव्यू दे रहा है, वाह। तो मैं खुद के इंटरव्यू देख के मैं खुद हंसी कि अरे भाई क्या इंटरव्यू दे दिया। और वैसे मैं एक यादगार चीज़ बना के रखने के लिए मैंने वो टीवी से ही वीडियो मैंने ले लिया था, और मुझे नहीं पता था कि वो वाला वीडियो भी लैपटॉप में मेरे को मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। सो वो इंटरव्यू आप लोग देखिए। अतिक्रम करी पहरी पहरी आग को मारी चलता बेले केतरे योगाभ्यास करुवा देखा जा तो उसमें कॉम्बाइंड में थर्ड प्लेस मिला है मुझको। तो इंग्लिश चैलेंज में 42 की मी कैंडा पड़ता है। एक दुई युवती को एक बड़ी अनन्य प्रति मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने का। और क्या बोले, इसका पहले मैंने खुद 95, 96, 97 में यहाँ प्रैक्टिस करके मैंने इंग्लिश चैनल जिब्राल्टर मतलब यूरोप अमेरिका में बहुत सा चैनल किया है। और मैं चाहता हूँ कि इस जगह जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। और यहाँ का बहुत मतलब आदमी आते हैं बाहर में, मतलब किनारे में लहर में लोग खेलते हैं। हम चाहते हैं कि सब कोई बीच में जाके स्विमिंग करे। और उसमें क्या होगा, जो अक्सर पेपर में टीवी में आते रहता है कि यहाँ पानी में डूब के मतलब वो किसी का देहांत हो गया, सब कोई अगर कोशिश करेगा तो सब कोई कर पाएगा। कि मैंने दोनों पैर नहीं रहते हुए इंग्लिश चैनल दुनिया का पहला आदमी जो बगैर पैर का इंग्लिश चैनल किया, जिब्राल्टर किया, 81 किलोमीटर दो बार किया, इन लोग भी दो बार, ये दो बार 81 किलोमीटर की और ये एक बार की इस साल में 7 तारीख को। ओवरऑल लड़का लोगों का साथ में ये थर्ड आई है और ये 9th या 10th आया। ये वीडियो मैं जब आप देखती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल फील मैं करती हूँ, क्योंकि इसमें सर है और सर का भी इंटरव्यू है, सर बोल रहे हैं, मतलब वो सारा चीज़ और प्रैक्टिस का जो सारा चीज़ प्रैक्टिस करवाया था सर ने, वो सारा चीज़ याद आता है मेरे को। और सर का बहुत बड़ा ड्रीम था कि सर मुझे इंग्लिश चैनल सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए देखे, तो उनका अधूरा रह गया। लेकिन मैंने उनका सपना पूरा किया और वो मैं लकी फील करती हूँ कि मैं सर के पास प्रैक्टिस की 2 साल और सर मेरा कोच थे। तो इसी बेसिस पे ये वाला वीडियो मेरा बनाने का मकसद था। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।